ओ भात खाएगा बेटा प्लेट चाटेगी बेटी। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वहाँ मेरे पिताजी हैं और आप लोगों को हम अपने पिताजी से रूबरू करवा रहे हैं। तो आइए हम अपने पिताजी से कुछ सॉन्ग सुनवाते हैं आप लोगों को। तो चलिए मेरे पिताजी अब सॉन्ग गाने वाले हैं, पहले तो कुछ कह दीजिए पिताजी इनको जो देख रहे हैं श्रोता सब। बेटा नमस्कार, बाबू नमस्कार, बेटी नमस्कार, सभी लोग को प्रणाम। और चैनल को सब्सक्राइब करिए दबा करके। और हम हो सकता है तो पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी क्या मॉडर्न गाना भी आता है क्या आपको? तो अगर मॉडर्न गाना आता होगा तो हम उनको भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा नए जमाने के गाना भी गा सकते हैं। तो हम पिताजी से पूछ रहे हैं कि क्या पिताजी आपको नए गाना आता है क्या? ओ, खुलियाम गाना नहीं आता है। खुलियाम कैसा गाना आता है? लुप्त। हाँ तो लुप्त में आप गा सकते हैं। हाँ तो ठीक है गाइए। मन के सवरिया बन गई ना तू, चुपके से तू का कई ना तू, अब नस नस में तू तो गई ना सवा, डाल दिला पर सानी में गजब के रोग धरा, दिलाए गोरी हम के जवानी में गजब के रोग धरा, दिलाए गोरी हम के जवानी में मन के सवरिया बन गई ला तू, चुपके से तू का कैला तू, अब नस नस में तू का गैला समा, डाल दला परेशानी में गजब के रोग धरा, दिला गजब के रोग धरा, दिला गोरी हमके जवानी में। यहाँ देखिए मेरे माता जी भी हैं ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए अब ये तो मीडियम तरीका का गाना था जिसको मेरे पिताजी ने खूब अच्छी तरह से लय दिया, और हम कुछ और गाने के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। तो हम पिताजी को बोलेंगे कि क्या आपको और अच्छा गाना आता है, और जो नए नए गाना आए हुए हैं भोजपुरी में अभी जो आए हैं पियावा दुलारे, कृपया वो गा सकते हैं पियावा दुलारे? आए हैं मेरे पिताजी को शायद गाना नहीं सुने हैं इसीलिए नहीं गा रहे हैं, अगर गाना सुने हुए रहते हैं तो अभी गुनगुनाते रहते हैं। तो चलिए अगर आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे पिताजी को आप सपोर्ट करिए, और चैनल को सॉरी और वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि मेरे पिताजी को जूट मिल में काम करने जाना ना पड़े और यहीं पर यह आप लोगों को मनोरंजन करते रहें। तो तब तक के लिए हो सकता है तो थोड़ा सा एक और गाना सुन लेते हैं। तो पिताजी को बोलते हैं कि एक और गाना गाइए जो कि मॉडर्न में नया जमाना के गाना होना चाहिए पिताजी, क्योंकि हम लोग नया ना है। नया नया क्या गाना गाए? तो कोई याद नहीं। नया गाना गाइए, बोलिएगा तब थोड़ा समझ में आएगा, तो गाएंगे आपको जो आता है वो गाइए ना। तो जो है हमको गाना गाने आता तो हम गाते अभी नहीं। भी कुछ भी गाएंगे तो बना के ही गाएंगे। बना के ही गाइए लेकिन नया जमाना के गाइए, जैसे मैं तो नया जमाना के हम देसरी पलट देते हैं, मतैया छोड़ देते हैं। नया देसरी, जैसे मैं देसरी मेरा नानी का घर हुआ
और यहाँ जो बड़ैला हुआ इनके मम्मी का क्या कहते हैं नैहर हुआ, मेरे मेरे दादी का नैहर नैहर जाए के जिद करता रू गोरिया भुला जाइबू नैहर के मेला में गोरिया भुला जाइबू नैहर के मेला में नई नवेली अब कनिया बार नैहर जाए के जिद करता रू गोरिया भुला जाइबू तोर मोर के बजरिया में गुड़िया भुला जाइबू देसीरी बजरिया में गुड़िया भुला जाइबू देसीरी बजरिया में नई नवेली अब कनिया बार नैहर जाए के जिद करता रू गोरिया भुला जाइबू गोरिया भुला जाइबू बहुरी बजरिया में गोरिया भुला जाइबू नैहर के मेला में गोरिया भुला जाइबू नैहर के मेला में नई नवेली अब कनिया बार नैहर जाए के जिद करता रू गोरिया भुला जाइबू बउआ भुला जाइबू बहुरी बजरिया में बउआ भुला जाइबो बहुरी बजरिया में। मेरे नानी का जो घर हुआ मेरे मम्मी का नैहर जिसको बोलते हैं वह देसरी में हुआ और मेरा जो घर हुआ वह भरतपुर में हुआ और भरतपुर के बगल में बहुरी बाजार लगता है उन्हीं के बारे में मेरे पिताजी बता रहे हैं। तो और हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ आप लोगों को देखने सुनने में परेशानी हुई होगी। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पिताजी से और सारा गाना सुनना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप पिताजी को चैनल पर लेकर के आइए और इसको इतना दबाकर शेयर कीजिए क्योंकि जानवे करते हैं कि जूट मिल में क्या क्या चीज़ करना पड़ता है। तो जूट मिल में जानवे करते हैं कि बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, माकूर चलते रहता है। हम भी गए हुए हैं मेरे पिताजी के जहाँ काम करते हैं वहाँ गए हुए हैं, बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अभी इनके जो टैलेंट था वह टैलेंट को जो है वह छिपा दिया गया था और इनको हो सकता है तो आप उभार सकते हैं और उभारने के बाद अगर ऐसा हो सकता है कि आप अगर इनको चाहते हैं तो हम आगे कोशिश करेंगे कि इनको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। और हम ऐसा तो हमें ले आए हैं लेकिन यहाँ से मेरा भी दायित्व बनता है कि इनको अगर ये सब में फेमस होने के लिए या इस सब में इनको रुचि है तो इनको हम ऐसा काम करवा सकते हैं। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। और कुछ मेरे पिताजी भी कहने वाले हैं, कुछ कह सकते हैं तो कहिए। हम क्या बोलूं, कुछ भी बताइए। चलो साथी घर चलो। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से वही इंजेक्शन वीडियो लाने वाले हैं और इस इंजेक्शन वीडियो को देख करके आप लोगों को जो है कुछ नॉलेज होती हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है और मोटिवेशन प्राप्त होने के बाद हम और सारा उत्तेजित हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। और जहाँ पे वीडियो नहीं भी बनाने देते हैं पेशेंट सब, वहाँ पे हम उनको दिखाते हैं कि मेरा जो दर्शक है वह प्यार करते हैं और वह वीडियो मांगते हैं तो वहाँ पे वह लोग इजाज़त दे देते हैं कि आप वीडियो बना करके आप डाल सकते हैं। तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।